आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा विंडो व्यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीनरी कैन यू सी फ्रॉम द विंडो ऑफ योर रूम. कैसे सीनरी आप देख सकते हो अपने रूम के विंडो से. वेल आई हेल फ्रॉम ब्यूकॉलिक एरिया. ब्यूकॉलिक का मतलब होता है रूरल, जिसको हम कंट्री साइड एरिया बोलते हैं. हेल फ्रॉम का मतलब होता है बिलोंग टू. मैं एक कंट्री साइड एरिया को बिलोंग करता हूँ एंड हैव फार्म हाउस, और हमारा एक फार्म हाउस है. सो वेन एवर आई लुक आउटसाइड ऑफ माई रूम्स विंडो, जब भी मैं अपने कमरे की विंडो से बाहर देखता हूँ, आई सी ग्रीन फार्म्स एंड ट्रीज. मैं ग्रीन फार्म्स एंड ट्रीज देखता हूँ, विच गिव मी इनर ग्रेटिफिकेशन, जो मुझे एक सेटिस्फेक्शन देते हैं, अंदरूनी शांति देते हैं. ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू वॉच द सीनरी फ्रॉम योर विंडो. क्या आप पसंद करते हो सीनरी देखना अपनी विंडो से. ऑफकोर्स आई लव इट, मुझे ये बहुत पसंद है. स्पेशली वेन आई टेक अ कप ऑफ टी, जब मैं कप ऑफ टी कहने का मतलब चाय पी रहा होता हूँ, तो तब मुझे विंडो के बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है. आई ऑफन स्टैंड बिसाइड विंडो एंड लुक एट द नेचुरल ब्यूटी दैट गॉड क्रिएट्स. मैं अक्सर विंडो के पास में खड़ा हो जाता हूँ और नेचुरल ब्यूटी को देखते रहता हूँ जो भगवान ने बनाई है. दिस एक्टिविटी रीयूविनेट मी बिकॉज आई एम अ नेचर एंथुसियास्ट. ये एक्टिविटी जो मुझे रीयूविनेट करती है, रीयूविनेट कहने का मतलब री इनर्जेटिक करती है, क्योंकि मैं एक नेचर एंथुसियास्ट हूँ. नेचर एंथुसियास्ट हम उस पर्सन को बोलते हैं जो नेचर लवर होते हैं, तो आप यहाँ पे नेचर एंथुसियास्ट बोल सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज डू यू वॉन्ट टू लिव इन अ हाउस विद ब्यूटिफुल विंडो व्यू. क्या आप ऐसे घर में रहना चाहते हो जहाँ पे ब्यूटिफुल विंडो व्यू हो. डेफिनेटली आई वुड लव टू लिव इन दैट अबॉड. अबॉड का मतलब हाउस और होम. डेफिनेटली मैं उसमें रहना पसंद करूंगा, बिकॉज विदाउट विंडो व्यू, जहाँ पे विंडो व्यू नहीं होता, आई फील सफोकेटेड इन अ रूम. मैं रूम में सफोकेटेड फील करता हूँ, मुझे घबराहट होती है. इवन आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ड्रीम हाउस विद अ ग्लास वॉल एट द फर्स्ट फ्लोर. इवन मैं एक ऐसा अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूँ जिसकी एक ग्लास वॉल हो, कांच की जो है वॉल हो फर्स्ट फ्लोर पे, सो दैट आई कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, ताकि मैं नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकूँ. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील वेन यू कांट सी एनी ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम योर विंडो. आप कैसा फील करते हो जब आपको कोई अच्छा व्यू नहीं दिखता आपकी विंडो से. टू बी ऑनेस्ट आई फील वॉबीगॉन एट दैट टाइम. वॉबीगॉन का मतलब होता है सैड. ईमानदारी से बताऊं तो मैं सैड फील करता हूँ उस समय पे, बिकॉज आई एम अ नेचर लवर पर्सन. क्योंकि मैं एक नेचर लवर पर्सन हूँ, आई कांट बेयर द क्राउड आउटसाइड माई विंडो. मैं ये सह नहीं सकता अगर बहुत भीड़ भड़का हो, शोर शराबा हो मेरे विंडो के बाहर. वेन एवर दिस सिचुएशन इज क्रिएटेड, जब भी ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट हो जाती है, आई फील डाउन इन द डम्स. देन मैं सैड फील करता हूँ. फील डाउन इन द डम्स इज एन इडियम, जिसका मतलब होता है सैड फील करना. सो ये थे हमारे आज के टॉपिक विंडो व्यू के क्वेश्चंस. होप है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.